नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रशांत वर्मा जी की हनुमान मूवी के बारे में। उसी के साथ उसके एंडिंग को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। आने वाले उनकी मूवीज जो होने वाले हैं उनमें उनका क्या अनाउंसमेंट है, किस तरह की मूवीज वो हमारे सामने लाने वाले हैं, क्या धमाका होने वाला है, सारी बात करूंगा। बने रहिए मेरे साथ, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों देखिए, हनुमान मूवी बेसिकली एक सेटअप था। ये जो पहला मूवी इन्होंने निकाला है सुपर हीरो मूवी, हनुमान मूवी एक सेटअप था। मतलब कि आप समझ लीजिए, जो कहानी जो चीज़ें वो आगे हमारे सामने लाने वाले हैं, ये छोटा सा उसका ग्लिम्प्स था। मैं टीजर भी नहीं कह रहा, मैं ग्लिम्प्स कह रहा हूँ। हल्का सा ग्लिम्प्स हमको दिखाया है, सेटअप दिखाया है। भाई असली पिक्चर तो ना अब आने वाले मूवीज में आपको दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए लास्ट में मूवी के आपको दिखाया गया है कि हनुमान जी इस धरती पर चिरंजीवी के रूप में है। विभीषण जी का जो उन्होंने कैरेक्टर दिखाया वहाँ पे, वो भी एक चिरंजीवी है। मतलब दो चिरंजीवी को हमें इस मूवी में दिखाया गया। और साथ में एक जो सवाल छोड़ गई है मूवी, वो ये कि विभीषण जी ने कहा कि अब वो समय आ गया है, जो वादा आपने भगवान श्री राम को दिया था उसे पूरा करने का। तो भाई क्या वादा दिया था, अब इस पर थोड़ी सी मैं टेक्निकल डिटेलिंग में आपको बताऊं तो अगर हम अपने ग्रंथों वेदों पुराणों की और रामचरितमानस के को अगर पढ़े और उसमें समझे, तो हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था माँ सीता ने, जब वो अशोक वाटिका में माँ सीता की खोज में गए थे। तो इसके बाद में जब वो पूरी रामायण हो जाती है, लंका में जब रावण जो होता है लंकापति वो भी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में विभीषण का राज्याभिषेक होता है और भगवान अयोध्या लौट जाते हैं। उसके बाद में हनुमान जी भगवान की सेवा के लिए वहाँ रुकते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। तो भाई ये कहानी तो है त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया जिस युग में, उस युग की कहानी है। चलिए अब नेक्स्ट युग की बात कर लेते हैं, द्वापर युग की। तो आपको पता होगा द्वापर युग में भी जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, धर्म और अधर्म के बीच जब लड़ाई होती है, तो भगवान हनुमान जी हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं। जैसा कि अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में वो विराजमान थे, वहाँ भी उन्होंने धर्म का साथ दिया, ठीक है। और इसी के बाद जब कलयुग में संत कवि श्री तुलसीदास जी महाराज ने जब भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहा, तो भगवान श्री राम ने उन्हें अपने दर्शन दिए, साथ ही में हनुमान जी भी वहाँ थे। हनुमान जी ने तोता बनकर उन्होंने ही गाइड किया था तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। आपने अगर कहीं पढ़ी हो ये लाइन तो आपको पता ही होगा कि हनुमान जी वहाँ तोता बन के गए थे और उन्होंने ही तुलसीदास जी को गाइड किया था कि आपके समक्ष जो खड़े हैं वो और कोई नहीं, आपके ही प्रिय आराध्य भगवान श्री राम है। तो दोस्तों हमने ये पूरे हिस्ट्री को उठा के देखा है, पूरा हिस्ट्री आप अगर इसमें जांच ले तो आपको एक ही चीज़ पता लगती है, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्मियों का अधर्म बढ़ता है समाज में, तब तब भगवान हनुमान जी खड़े होते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं। तो मुझे लगता है यही एक प्रॉमिस है जो भगवान श्री राम ने उनसे लिया है, और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा समाज में तब तब वो खड़े होंगे। और वैसा ही यहाँ एंडिंग में भी हमको दिखाया गया है, जैसे ही वो रुद्रमणि टूटता है विभीषण जी कहते हैं कि अब अधर्मी लोगों को रोकना मुश्किल होगा, और हनुमान जी महाराज जो है अब तक तपस्या में थे, लीन थे, वो तो अपनी तपस्या से उठ खड़े होते हैं और अधर्मियों का नाश करने के लिए निकल जाते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा भाई वो बहुत शानदार होगा देखना, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ स्टोरीज हमको फिक्शनल और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ट्रू इवेंट्स पेज भी हो सकती है, हो सकता है कुछ बैकग्राउंड हमको दिखाया जाए यहाँ पर, और मे बी हो सकता है हनुमान जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हम मतलब जानते हैं, फिर भी जो आज नए जनरेशन के बच्चे हैं वो लोग समझे, और क्योंकि हनुमान जी के अंदर बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो मतलब हमें हनुमान चालीसा में भी मिलती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के साथ। तो आठ सिद्धियां क्या होती हैं, नौ निधियां क्या होती है, और अतुलित बल धामा, मतलब कि उनका जो बल है वो अतुलित है, उनकी कोई तुलना नहीं है बल्कि, और जो उनके पास ज्ञान है, उन ज्ञान के भंडार हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको दिखाई जाएँ और हमें बताया जाए कि हनुमान जी जो असली हनुमान जी हैं, असली जो उनका कैरेक्टर है, जो हनुमान जी को हम क्यों पूजते हैं, क्यों इतने पूजनीय हैं, क्यों हनुमान जी के इतने सारे मंदिर हैं, क्यों लोगों के आराध्य हैं वो, तो वो सारी चीज़ें जस्टिफाई ये मूवी करेगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ प्रशांत वर्मा जी की मैं तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि भाई प्रशांत वर्मा जी ने इनिशिएटिव लिया है और इसको जो फिक्शनल तरीके से लोगों को एक स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं,
वो काफ़ी एक शानदार एफर्ट है उनकी तरफ से, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट मूवी आने वाला है आई थिंक वो अधीरा आने वाला है, वो भी एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड मूवी है। हालांकि मैं थोड़ा उसमें भी कोशिश कर रहा हूँ जानने की एक्चुअल में वो जो कैरेक्टर है वो किस तरह से वो डेवलप करेंगे, क्योंकि अधीरा मूवी में जो कैरेक्टर है भगवान इंद्र का वज्र लिए हुए है, तो भगवान इंद्र का वज्र उसे कैसे मिला, अगर ऐसा कोई कैरेक्टर था तो वो कैसे था। अच्छा वेल, जय हनुमान मूवी के बाद इनके और क्या प्लान्स हो सकते हैं उसका अनाउंसमेंट करते हुए इन्होंने बताया है कि वो 20 डिफरेंट कहानियों पे काम करेंगे और 12 सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें से उन्होंने ऑलरेडी दो तो करा दिए, एक अधीरा वाला हमको बता दिया है और दूसरा ये हनुमान जी वाले कैरेक्टर को हमारे सामने रखा है। हनुमान मतलब ये जो तेजा सज्जा वाला कैरेक्टर की बात करूँ, हनुमान जी तो भगवान है बट ये जो सुपर हीरो की तरह जिन्होंने जिनको दिखाया है। अच्छा वेल, अभी पृथ्वी पर कितने चिरंजीवी हैं? टोटल 8 चिरंजीवी हैं जो पृथ्वी पर मौजूद हैं। उनमें से पहले हैं अश्वत्थामा, दूसरे महाबली, तीसरे वेदव्यास जी, चौथे हनुमान जी, पांचवे भीषण जी, छठा कृपाचार्य, सातवें परशुराम और आठवें मार्कंडेय ऋषि। तो ये टोटल 8 चिरंजीवी हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 8 तो वो दिखाएंगे ही, अपने 8 सुपर हीरोज की तरह उनको तो वो दिखाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा कौन से 4 होंगे वो देखने वाली बात होगी। एंड में देखिए जितने भी सुपर हीरोज इकट्ठे होंगे जो एंड में स्टोरी बनाएंगे, जो एंड इसका मूवी होगा वो मुझे लग रहा है एवेंजर एंड गेम की तरह होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भगवान कल्कि और असुर कली के बीच का जो युद्ध ये दिखाएंगे वो किस तरह से दिखाते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब भगवान कल्कि धरती पर अवतार लेंगे उस समय पर ये जो 8 चिरंजीवी हैं वो उनका साथ देंगे, तो वो किस तरह से होगा, वो युद्ध कितना भयानक होगा, वो सोच के मुझे अभी से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वेल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बजरंगबली।